अब हम लोग आते हैं एक्चुअली में जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है उसको समझते हैं, है ना। तो जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है, जैसा कि हमने यहां पर बताया है कि सस्टेनेबल इंटरफेरेंस के लिए दोनों सोर्सेज जो है वो कोहरेंट होने चाहिए। कोहरेंट होने का मतलब है उनका फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, ठीक। तो इसमें करा क्या जाता है, जैसे देखेंगे यहां पर एक बोर्ड दिख रहा है और इसमें ये दो स्लिट दिख रहे हैं, एक स्लिट जो है वो ये हो गया और एक स्लिट जो है ये वो ये यहां पर है, ये जो है ये स्क्रीन है, ठीक। तो यहां से जाने वाला लाइट और यहां से जाने वाला लाइट यहां पर दोनों सेम फेज में हो ये जरूरी है, है ना। जो भी फेज डिफरेंस आएगा वो आगे जा करके आएगा, यहां पर दोनों सेम फेज में होना चाहिए तभी फेज डिफरेंस आगे कॉन्स्टेंट रहेगा। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि यहां पर एक ही सोर्स लिया जाता है और एक ही सोर्स से जो लाइट है ये दोनों स्लिट से होकर के पास करता है। तो देखेंगे कि ये बिल्कुल सोर्स जो है दोनों स्लिट्स के बीचों बीच है, तो यहां से यहां तक का पाथ लेंथ और ये वाला पाथ लेंथ इक्वल होगा, यानी इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस होगा जीरो, यानी कि यहां पर फेज डिफरेंस होगा जीरो। तो ये जो यहां पर जो दो स्लिट्स हैं ये दो सोर्स जैसा काम करते हैं, और सोर्स जैसा काम करने का मतलब है कि इनके बीच में फेज डिफरेंस जो है यहां पर जीरो होगा, ठीक। और चूंकि एक ही सोर्स से लाइट जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी बराबर होगी दोनों की, है ना। दोनों लाइट जो जा रहा होगा इधर और इधर दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी और दोनों का वेवलेंथ भी बराबर होगा। तो जो मोनोक्रोमेटिक वाला कंडीशन बताया था, सेम फ्रीक्वेंसी वाला कंडीशन बताएगा, वो दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, है ना। तो ये दोनों स्लिट हो गए, यहां पर जैसे सोर्स यहां पर रखा हो तो सोर्स से जो लाइट जाएगा ये भी एक तरह से स्लिट है, इसके पीछे समझें कि सोर्स रखा हुआ है। तो इस पतले से स्लिट से जो लाइट वेव निकलेगा वो सिलिंड्रिकल शेप का होगा, कुछ इस तरह से सिलिंड्रिकल शेप का होगा, ये फैलता जाएगा ऐसे, है ना। बड़ा भी होगा कुछ, मैंने कम ही दिखाया है एक्चुअली में, ये काफी बड़ा सिलिंड्रिकल होना चाहिए, ठीक। अब यहां से जो जो लाइट गया है वो दो स्लिट से होकर के पास करेगा, यहां से पास करेगा। अब जैसे यहां से पास करेगा तो इसके आगे का जो वेव फ्रंट होगा वो भी सिलिंड्रिकल शेप का होगा, जैसे ये सिलिंड्रिकल शेप का है। सिलिंड्रिकल का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर जो है ये पतला सा है, तो सिलेंडर का एक्सिस जो है यहां पर होगा, है ना। ऐसे सिलेंडर बन रहा, सिलेंडर क्रॉस सेक्शन सर्कुलर ऐसे दिखेगा यहां से, और ये सिलिंड्रिकल सरफेसेज बन रहे हैं। तो वैसे यहां भी सिलिंड्रिकल सरफेसेज बनेंगे, कुछ इस टाइप के सरफेसेज बनेंगे ऐसे ऐसे, ठीक। और यहां से जो लाइट जा रहा होगा यहां से भी सिलिंड्रिकल जो सरफेस बनेगा ये कुछ ऐसे जाएगा, है ना। तो देखेंगे कि दोनों वेव फ्रंट, एक वेव फ्रंट यहां से था और एक वेव फ्रंट यहां से था, हर जगह पर दोनों कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे, यहां भी मिलेंगे, यहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे, तो बीच में इंटरफेरेंस होगा। तो जैसे मैंने ये जो लाइंस दिखाई है एक्चुअली में ये क्या है, यहां पर ये मैक्सिमा बन रहा है, ये ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, ये ब्राइट है, ये भी ब्राइट है, ये भी ब्राइट है, ये भी ब्राइट है, बीच में डार्क वाला दिखाया है इसको, जैसा कि पहले मैंने दिखाया था फिगर में वैसा पीछे स्क्रीन पर वैसे भी दिखा दिया है। जैसे ये वाला ब्राइट फ्रिंज है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कर सकते हैं इसको, बिल्कुल बीचों बीच है, तो ये सेंट्रल वाला ब्राइट फ्रिंज हो गया, और इसके जस्ट ऊपर ये जो है ये डार्क हो गया, फिर ये वाला ब्राइट हो गया, है ना, ये फिर ये हो गया ब्राइट, और बीच में ये वाला डार्क हो गया। तो अल्टरनेट जो है यहां पर डार्क ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, ऐसे फ्रिंजेज जो है यहां पर बन रहे हैं, ठीक। तो ये तो हो गया अरेंजमेंट कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब जैसा कि मैंने पहले एक फिगर बनाया था वैसा ही फिगर मैंने यहां पर बनाया है। जैसे देखेंगे ये जो स्लिट है, स्लिट वन, उसकी जगह पर मैंने सोर्स एस वन लिखा है, और ये जो दूसरा वाला स्लिट है ये दूसरे सोर्स का काम कर रहा है उसको यहां पर लिखा है, ठीक। दोनों जो स्लिट्स हैं इनके बीच का सेपरेशन मान लेते हैं कि स्मॉल डी है, है ना, यहां से यहां तक का सेपरेशन है स्मॉल डी। ये हो गया स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है वो यहां पर है, तो स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन मान लिया कि ये डी है, ठीक। अब इसमें ये माना जाता है कि ये जो दो स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो
स्क्रीन और स्लिट्स के बीच के सेपरेशन से बहुत ही छोटा है। जैसे अगर ये मीटर में होगा तो ये जो डी है वो मिलीमीटर में होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ये एक्चुअली में सेंट्रल लाइन है ना। और ऐसा मान लेते हैं कि सेंट्रल लाइन से वाई हाइट पर यहां पर कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें इंटरफेरेंस चेक करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, देखेंगे कि यहां से एक लाइट वेव जो है उस पॉइंट तक जाएगा, फिर यहां से उसी पॉइंट तक एक वेव जाएगा ऐसे। ठीक है, दो वेव चले गए। अब जो है ये जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन से भी एक लाइन वहां पर ड्रॉ करते हैं। ये लाइन जो है ये कुछ ऐसा आ गया। अब मान लिया जाए कि जो सेंट्रल लाइन है और ये जो अभी हमने एक लाइन ड्रॉ किया, इनके बीच का एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा हो गया। तो ये वाला जो एंगल है ये होना चाहिए 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये टोटल 90 होना चाहिए, है ना। तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, ये हो गया। अब ऐसा करते हैं कि यहां से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, तो हम लोग ऐसा मानते हैं जैसे ये जो दो लाइन है ना, ये दो लाइन है, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ही बड़ा है, ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, कि ये दोनों लाइन कुछ इस तरह से दिखेंगे, कुछ इस तरह से दिखेंगे। जैसे ये लाइन हो गया और ये लाइन हो गया। ठीक है, तो इस लाइन में और इस लाइन में अगर डिफरेंस पता करना हो तो क्या करेंगे, इस पर हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहां से आगे का जो लेंथ होगा इस लेंथ के बराबर होगा, मतलब इस लाइन का एक्स्ट्रा लेंथ जो बचेगा यहां पर, ये जो है इन दोनों के लेंथ का डिफरेंस आएगा। यहां से परपेंडिकुलर डालने से ये वाला लेंथ यहां से आगे का और यहां से आगे का, ये दोनों इक्वल लेंथ का माना जाएगा, ये एक्स्ट्रा है। तो उसी तरह से मैंने यहां पर परपेंडिकुलर डाल दिया, क्योंकि ये डी बहुत छोटा है तो ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही पतले जैसे पास में दिख रहे होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जितना ट्रेवल करेगा यहां से इधर भी उतना ही डिस्टेंस है, ये एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा वाला जो डिस्टेंस होगा ये इन दोनों वेव के बीच में यहां पर पाथ डिफरेंस होना चाहिए। ठीक, तो हमने ये एंगल लिया थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, इस पर परपेंडिकुलर है तो इस पर भी ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखा जाए तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये ऊपर वाला एंगल थीटा हो गया, है ना। अब देखिए ये बड़ा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहां पर। ठीक, इसमें ये डी है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली में डी साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां से जो वेव गया और यहां से जो वेव गया, दोनों का पाथ डिफरेंस जो है वो डी साइन थीटा होना चाहिए। तो इस पॉइंट पर अगर पाथ डिफरेंस का वैल्यू निकालना हो तो ये कहा जा सकता है कि ये डी साइन थीटा के इक्वल होगा, है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर इतना पाथ डिफरेंस है तो कैसे चेक करेंगे कि यहां पर मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा बन रहा है, यहां पर आगे चेक करेंगे हम लोग। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग दो तरह के अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। पहला अप्रोक्सीमेशन होता है ये स्मॉल डी इज वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल डी, ये हमेशा ही ट्रू होता है। ये अप्रोक्सीमेशन मान करके चलेंगे तभी ये पाथ डिफरेंस जो है डी साइन थीटा आएगा, है ना। ये हमने मानकर चला तभी हमने ये कहा कि ये जो है इनके बीच का जो गैप है वो काफी कम है, जैसा यहां फिगर बनाकर मैंने बताया। अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहां भी ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होगा। ये उसी कंडीशन में हो सकता है जब डी बहुत ही कैपिटल डी से छोटा हो, और तभी जो है ये सेपरेशन डी साइन थीटा के बराबर आएगा। तो पहला अप्रोक्सीमेशन जो है हम लोग अप्लाई करेंगे, स्मॉल डी इज वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल डी, और इससे कह सकते हैं कि जो पाथ डिफरेंस होगा ये डी साइन थीटा होना चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो एन लैम्डा के इक्वल होता है ना, जहां पर एन की वैल्यू हम लोग 0 से 1, 2, 3 इस तरह से रखते हैं, है ना। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, ऐसा आएगा जो हमने पहले अभी थोड़ा देर पहले डिराइव किया था, है ना। यहां पर n की वैल्यू 1 से शुरू करते हैं। दूसरा अप्रोक्सीमेशन जो होता है वो ये होता है कि थीटा बहुत स्मॉल है। अप्रोक्सीमेशन 2 मतलब दूसरा अप्रोक्सीमेशन ये होता है थीटा इज स्मॉल। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर थीटा स्मॉल होने का मतलब है कि जैसे ये सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल के आसपास में जो फ्रिंज बनते हैं जैसे फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, है ना, नीचे भी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, थर्ड। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें जो फ्रिंज होगा वो सेंट्रल लाइन के कहीं ना कहीं पास में होगा, पास में होगा तो थीटा स्मॉल माना जाएगा, ठीक है। तो उस केस में ये वाला अप्रोक्सीमेशन सही होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे जैसे बहुत दूर वाला जो फ्रिंज है, सबसे लास्ट फ्रिंज है, तो उसके लिए थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और थीटा जब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये वाला अप्रोक्सीमेशन हम लोग नहीं लगा सकते, है ना, सिर्फ ये वाला अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप बोर्ड के क्वेश्चन में देखेंगे या जेई के क्वेश्चन में भी देखेंगे, तो जनरली फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर के आसपास ही पूछा जाता है कहीं ना कहीं, तो उस केस में थीटा जो है स्मॉल होता है। अगर बाय चांस लास्ट वाले फ्रिंज के बारे में पूछा गया है तब हम लोग ये वाला अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएंगे, ठीक। तो दूसरा अप्रोक्सीमेशन हम लोग लगाते हैं, हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि थीटा जो है वो स्मॉल है। थीटा जब स्मॉल होगा तो जो साइन थीटा है उसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग टैन थीटा लिख सकते हैं, है ना। और उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस आया था अपना डी साइन थीटा यहां से, तो इसको मैं लिख सकता हूं डी टैन थीटा, यानी कि डी टैन थीटा की वैल्यू यहां से देखें, यहां पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये बड़ा सा, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये हाइट और ये बेस या एडजेसेंट साइड। तो हाइट है इसका वाई और ये एडजेसेंट साइड है डी, तो टैन थीटा की वैल्यू इसमें निकालेंगे तो वाई बाई कैपिटल डी आना चाहिए। तो यहां पर टैन थीटा की वैल्यू वाई बाई कैपिटल डी रख देते हैं, है ना, ये यहां पर वाई बाई डी है, ठीक। अब चूंकि पाथ डिफरेंस की वैल्यू ये आ गया वाई के टर्म में, तो कह सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स यानी कि डी वाई बाई कैपिटल डी, ये होना चाहिए एन लैम्डा के इक्वल, यानी जो वाई है वाई को हम लोग लिख सकते हैं एन कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये हो गया वाई की वैल्यू, है ना। और यहां पर n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे रखेंगे। तो y क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा कि किस किस हाइट पर ब्राइट फ्रिंजेज बनेंगे, या किस नीचे जाने पर भी सेंट्रल फ्रिंज से कितने डिस्टेंस नीचे या कितने डिस्टेंस ऊपर पर ये ब्राइट फ्रिंजेज हमें दिखेंगे। तो कह सकते हैं सो ब्राइट फ्रिंजेज will be observed at y is equal to 0, n का वैल्यू 0 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, फिर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो d lambda by small d, 2 रखेंगे तो 2d lambda by small d, फिर 3 रखेंगे, तो ये एक्चुअली में पोजीशन आ गए, है ना। जैसे देखेंगे कि जैसे ये सेंट्रल फ्रिंज है, है ना, तो अगला जो फ्रिंज आएगा एक्चुअली में क्या होता है कि जो इंटेंसिटी होता है वो पूरे ब्राइट फ्रिंज, जैसे ये ब्राइट फ्रिंज दिखाया है, तो ब्राइट फ्रिंज के हर पॉइंट पर इंटेंसिटी बराबर नहीं होता है ना, बिल्कुल बीच में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी का समझ सकते हैं कि ग्राफ है, लेकिन जैसे इधर जाएंगे तो इंटेंसिटी धीरे धीरे घट रहा है, यहां पर इंटेंसिटी ऑलमोस्ट जीरो है ना,
या मिनिमम कर सकते हैं रूट आई वन माइनस आई टू, आई वन आई टू बराबर होते हैं, यहाँ पर जीरो भी हो सकता है ना। तो ये जो पीक दिख रहा है यहाँ पर, पीक को ही हम लोग मैक्सिमा का पोजिशन मानते हैं, ये भी मैक्सिमा का, ये फर्स्ट, ये जीरो ऑर्डर मैक्सिमा कहलाता है, ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा हो गया, ठीक है। वैसे यहां पर देखेंगे ये सेंट्रल है तो ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा और ये वाला सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, ये मैक्सिमा का लोकेशन हो गया, ठीक। अगर हमें पता करना हो कि ब्राइट फ्रिंज का विड्थ कितना होता है, ब्राइट फ्रिंज विड्थ, तो ब्राइट फ्रिंज का विड्थ का मतलब हुआ जैसे यहां से एक्चुअली में दो मिनिमा के बीच का जो सेपरेशन होता है, जैसे देखेंगे यहां से ये हो गया मिनिमा, फिर ये होता है मिनिमा, ये होता है मिनिमा, तो दो मिनिमा के बीच में ये ब्राइट फ्रिंज माना जाता है। उसी तरह से ये दो मिनिमा हो गए, ये दो मिनिमा के बीच में ये ब्राइट फ्रिंज माना जाता है ना। तो ब्राइट फ्रिंज ऐसे भी निकाल सकते हैं या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक मैक्सिमा यहां पर है, एक मैक्सिमा यहां, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा डी लैम्डा या लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, यह आ गया। अब कोई भी दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस निकालेंगे वो इतना ही है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो उतना ही आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो उतना ही आएगा। यानी ब्राइट फ्रिंज का जो विड्थ है वो हो गया एक मिनिमा यहां पर, एक मिनिमा, दो मिनिमा के बीच का जो गैप है उसको ब्राइट फ्रिंज विड्थ कहते हैं। और उसी तरह से डार्क फ्रिंज का विड्थ निकालना हो तो क्या करेंगे, दो मैक्सिमा के बीच में इसके और इसके बीच का जो ये कहलाएगा डार्क फ्रिंज का विड्थ, है ना। मतलब हम बात करें मिनिमा की तो ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा हो गया और ये सेकेंड ऑर्डर मिनिमा हो गया, है ना। उसी तरह से यहां पर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, सेकेंड ऑर्डर मिनिमा, इधर मैंने मिनिमा का नंबर लिखा है और इधर जो है ये मैक्सिमा के नंबर मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो दो मैक्सिमा के बीच का जो गैप है इसको हम लोग कहते हैं डार्क फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। और दो मिनिमा के बीच का, जैसे ये मिनिमा है और एक ये मिनिमा है, दो मिनिमा के बीच का जो गैप होगा इसको हम लोग कहते हैं यहां पर ब्राइट फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो ये फ्रिंज विड्थ जो है लैम्डा डी बाई डी आएगा, है ना। तो ये तो हमने पता करा कि मैक्सिमा जो है वो कहां कहां पर बनेंगे, यानी कि ब्राइट फ्रिंज जो है वो कहां कहां पर बनेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो डार्क फ्रिंज है वो किस किस पोजीशन पर बनेगा। तो कहा जा सकता है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस की वैल्यू आया था वाई डी वाई कैपिटल डी शुड बी इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा बाई टू, है ना। यहां पर देखें, यहां पर हमने क्या कहा था कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाई टू होना चाहिए। पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू है डी साइन थीटा की वैल्यू एक्चुअली में इतना आ गया, तो इसके जगह पर डी वाई बाई कैपिटल डी रखेंगे और ये 2n-1 लैम्डा बाई टू के इक्वल होना चाहिए डार्क फ्रिंजेस के लिए, है ना। तो यहां पर n की जो वैल्यू होगी ये 1 से शुरू किया जाएगा क्योंकि जीरो ऑर्डर मिनिमा होता नहीं है, यानी कि y का जो वैल्यू है ये हो गया 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाई टू स्मॉल डी, ये हो गया। तो कह सकते हैं सो डार्क फ्रिंजेस will be observed at y is equal to n का वैल्यू यहां पर 1 रखेंगे, है ना। तो n का वैल्यू 1 रखने से यह आएगा लैमडा डी बाई टू डी, एन का वैल्यू 2 रखेंगे तो यह आएगा 3 लैमडा डी बाई टू डी, फिर n का वैल्यू यहां पर जो है 3 रखेंगे तो यह आ जाएगा 5 लैमडा डी बाई 2d, इस तरह से आएगा। तो इसमें अगर हम लोग डार्क फ्रिंज का विड्थ निकालें
डार्क फ्रिंज विड्थ, है ना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, ये भी आएगा लैम्डा डी बाई डी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी इतना ही आएगा, इन इसके और जो है ऐसा कर सकते हैं कि ये जो माइनस है देखें यहां पर, यह जो हमने फिगर बनाया है ना, ये वन और वन, ठीक है, ये डिस्टेंस यहां पर आया है लैम्डा डी बाई टू डी, जो फर्स्ट ऑर्डर है वो सेंट्रल से कितना डिस्टेंस ऊपर है, लैम्डा डी बाई टू डी, देख सकते हैं यहां पर ये लैम्डा डी बाई टू डी है, तो लैम्डा डी बाई टू डी ऊपर भी है और लैम्डा डी बाई टू डी नीचे जाएंगे तो यहां भी डार्क है, तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये कहलाएगा ब्राइट फ्रिंज का विड्थ, ये हो जाएगा लैम्डा डी बाई डी। उसी तरह से अगर हमें डार्क फ्रिंज का विड्थ निकालना है तो सेंट्रल फ्रिंज और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन ये निकालेंगे, तो फर्स्ट मैक्सिमा कहां पर है, ये है, और सेंट्रल फ्रिंज ये बीच का जो गैप है, एक्चुअली में ये डार्क फ्रिंज का विड्थ बताएगा, ये भी आएगा डी लैम्डा डी बाई टू डी, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि चाहे डार्क फ्रिंज का विड्थ निकाले या ब्राइट फ्रिंज का विड्थ निकाले, दोनों का विड्थ जो है वो इक्वल होता है। अब अगर हमें इसमें पता करना हो कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस बन सकते हैं, तो कैसे पता करें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस, उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि जो एन है एन की वैल्यू सबसे ज्यादा क्या हो सकती है। हमने देखा कि जो पाथ डिफरेंस होता है डी साइन थीटा, ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो वो एन लैम्डा के बराबर होता है ना, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंज के लिए ये होगा, है ना। अब देख सकते हैं कि जो सबसे दूर वाला जो ब्राइट फ्रिंज होगा उसके लिए लाइट रे ज्यादा से ज्यादा कितना, मान लिया कि स्क्रीन जो इन्फिनिटी तक गया हुआ है, तो ये जो लाइन हमने भेजा है यहां पर, ये लाइन ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा थीटा की वैल्यू मैं 90 डिग्री ले सकता हूं, 90 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, 90 से बड़ा होने का मतलब है कि ये जो स्क्रीन है इसके पीछे चले जाएगा, है ना, यानी जो पॉइंट है इसके पीछे चले जाएगा, वो हो नहीं सकता है। तो थीटा की वैल्यू मैं ज्यादा से ज्यादा, अगर ये इन्फिनिटी तक भी गया हो तो थीटा की वैल्यू ज्यादा से 90 डिग्री हो सकता है। अगर थीटा 90 ले लेंगे तो वहां पर जो एन आएगा वो मैक्सिमम वाला एन होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू रेडियन एन विल बी इक्वल टू एन मैक्सिमम। तो इसमें रख करके देखेंगे डी साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू एन मैक्सिमम इंटू लैम्डा, तो इसका मतलब यह हुआ कि एन मैक्सिमम जो है यह हो गया डी बाई लैम्डा, यानी एन का बड़ा से बड़ा वैल्यू जो है इतना आ सकता है। तो कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, कितने हो सकते हैं, देखें यहां पर अगर ये एन मैक्सिमम है, एन शुरू होता है जीरो, यहां से जीरो से ऊपर एन तक जाता है, अगर इधर एन मैक्सिमम नंबर है तो नीचे भी एन मैक्सिमम नंबर होगा, यानी 2n मैक्सिमम नंबर हो गए ब्राइट फ्रिंज के, 2n मैक्सिमम प्लस एक सेंट्रल वाला इसमें नहीं आता, है ना, n तो हो गया 1, 2, 3, ठीक है, एक जीरो वाला जो सेंट्रल वाला उसको जोड़ना पड़ेगा हमें, तो टोटल नंबर ऑफ ब्राइट मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज जो हो सकते हैं वो हो सकता है 2n मैक्सिमम प्लस 1, यानी कि 2d बाई लैम्डा प्लस 1, ये हो सकता है। अगर हमें पता करना हो मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस, तो हमें पता है कि जो सेंट्रल फ्रिंज है वो कभी भी डार्क नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर अगर ज्यादा से ज्यादा एन मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा एन मैक्सिमम डार्क फ्रिंजेस भी बन सकते हैं, उसी तरह से नीचे अगर एन मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं तो एन मैक्सिमम नीचे डार्क भी बन सकते हैं, यानी एन मैक्सिमम ऊपर और एन मैक्सिमम नीचे, यानी कि 2 × n मैक्सिमम डार्क फ्रिंजेस बन सकते हैं, सेंट्रल फ्रिंज कभी डार्क फ्रिंज होता नहीं है। तो कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस विल बी इक्वल टू 2 ×
एन मैक्सिमम, और एन मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो आया है डी वाई लैम्डा, तो यहां से डी वाई लैम्डा रख सकते हैं। ठीक,